पीएम मोदी इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की छठी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें सदैव अटल की, छठी पुण्यतिथि आज अटल बिहारी वाजपेयी की। एक ऐसे नेता जिनका भाषण सुनकर उनके अपने ही नहीं बल्कि उनके विरोधी भी उनके कायल हो जाते थे। तमाम दिग्गज आज यहाँ पर उनकी छठी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने, श्रद्धांजलि अर्पित करने। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हुआ था। और हमारे सहयोगी नीरज पांडे वहीं पर मौजूद हैं। क्या तस्वीरें वहां से नीरज देखने को मिल रही है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, ये छठवीं पुण्यतिथि है और आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो समाधि स्थल है सदैव अटल, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुँच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँच चुके हैं, उपराष्ट्रपति पहुँच चुके हैं और अब इंतजार चल रहा है तो केवल और केवल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, वो भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। प्रधानमंत्री पहुँचने के बाद वहीं पर रुक गए हैं, चूँकि राष्ट्रपति को पहुँचना है तो उन्हें रिसीव करेंगे, उन्हें रिसीव करके लाएंगे और यहाँ पर जो सामने देखिए व्हाइट कुर्सियाँ लगी जहाँ तमाम डिग्निटरीज बैठे हुए हैं, यहाँ पर ही सारे जो लीडर्स हैं वो बैठेंगे। तो बेसिकली आज का पर्पज़ ये है कि पुण्यतिथि कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की सभी टॉप लीडरशिप वो हमेशा आती है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे लीडर थे भारतीय जनता पार्टी में जिनका नाम आते ही हर व्यक्ति श्रद्धा के साथ उनके नाम को लेता है, उनके नाम के सामने श्रद्धा से पेश आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे, जब वो एनडीए की सरकार बनी पहली बार और उसमें प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को नामित किया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी इसलिए पार्टी में सबसे बड़े नेता के रूप में रहे, उनके नाम के साथ हर व्यक्ति अपने आप को जोड़ता रहा है और वो एक चूँकि भारतीय जनता पार्टी में आदर्श के रूप में जाने जाते हैं। उनकी राजनीतिक शख्सियत ऐसी थी कि विपक्ष भी उनके नाम को हमेशा श्रद्धा से लेता रहा है। तो आज उनकी पुण्यतिथि है 2018 में 16 अगस्त को उनकी वो परलोक सिधार गए थे और उसके बाद से लगातार हर साल आज के दिन सुबह यहाँ पर पुण्यतिथि कार्यक्रम होता है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति से लेकर सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं और लोग आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर बार की तरह इस बार भी पहुँचे हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा जहाँ पर सब लोग अब बारी बारी से श्रद्धांजलि देंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति देंगे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर, बाकी सारे जो डिग्निटरीज हैं बारी बारी से यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जी, तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके समाधि स्थल से, यहाँ पर तस्वीर जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं। मेरे सहयोगी नीरज पांडे लगातार बने हुए हैं, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके विवेक, हैं। विवेक विवेक जी विवेक 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 आप देखिए सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू के साथ पीछे उनके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं और उनके ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो दत्तक पुत्री हैं नमिता भट्टाचार्य और उनके दामाद रंजन भट्टाचार्य को आप देख रहे हैं, वो पहले से ही खड़े हैं सबको रिसीव करने के लिए। तो ये जो सीधी तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं सदैव अटल समाधि स्थल है ये अटल जी का, जब उनकी वो जब परलोक सिधारे तो उनको यहीं पे दफनाया गया था, यहीं पे उनकी समाधि बनाई गई थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी को आप देख, अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार से नमिता भट्टाचार्य, रंजन भट्टाचार्य जो उनकी बेटी और दामाद हैं उनको आप देख रहे हैं, सीधे राष्ट्रपति को देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो इस समय अटल जी की समाधि स्थल पर पहुंची हैं और वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं, जो सदैव अटल, जो अटल जी का समाधि स्थल है, अटल जी का प्रेरणा स्थल है, वहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद अब उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित लीडर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी पंक्तियां जो रही हैं उनकी पंक्तियां हमेशा याद की जाएंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो साइड में जो छोटे छोटे वॉल बने हैं उन वॉल में उनकी लिखी हुई कविताओं को दर्शाया गया है। उसमें लिखा गया है कि साफ साफ देखेंगे, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गहरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। ये अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ चंद कविताओं में से एक है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल में लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये अटल जी की कुछ ऐसी रचनाएं रही हैं जो आज भी अमर हैं। उन रचनाओं को लोग आज भी याद करते हैं और उन रचनाओं को याद करके लोग अटल जी को याद रखते हैं। तो अटल जी एक ऐसे न सिर्फ पत्रकार थे, लेखक थे, कवि थे, बल्कि एक सफल राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर अपनी एक जगह बनाई, अपनी पार्टी में अपना एक मुकाम हासिल किया, अपने लोगों के बीच में प्रेरणा स्रोत बने, बल्कि विपक्षी नेताओं के, विपक्षी पार्टियों के लिए भी वो प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। दुनिया जानती है कि जब इस देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को विपक्ष के नेता के तौर पर UN भेजा था। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो उनके शख्सियत को बहुत बड़ा करती है। विपक्ष के सभी नेता अटल जी का नाम बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं, उनका बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। तो उन्होंने एक लंबे समय में अपनी जो ख्याति अर्जी की थी और उसके पीछे सबसे बड़ा लोकसभा के अध्यक्ष कारण था भी देख रहे हैं। और जेपी नड्डा, नीरज मैं चाहूंगा कि वहां जो आ रही हैं तस्वीरें उसके साथ साथ आप हमें बताते चलें। तो एक एक करके जो पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, तो जिस अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री और एक अच्छे लेखक, एक अच्छे साहित्यकार, इवन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कई जगहों पर उनका जिक्र कर चुके हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं, और अभी उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। नीरज पांडे मेरे सहयोगी वहीं से जुड़े हुए हैं, लगातार वो बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। और नीरज, आप जिस वो कविता का जिक्र कर रहे थे, वो कविता मुझे भी बहुत पसंद है, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अभी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने लगी है, सदैव अटल से, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राजनाथ सिंह आए हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो हैं वो आई हैं, जगदीप धनखड़ आपको दिख रहे हैं, हरिवंश जी दिख रहे थे, ये सारे गणमान्य अभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।